सकते हैं आप। 550 का लेवल अगले 6 महीने में देखने मिलेगा। थोड़ा लंबी अवधि के लिए लीजिएगा क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जहाँ पे प्राइसिंग पावर की बात चल रही थी और किस तरह से प्राइसेस कुछ हद तक बढ़ी है, इस तरह की खबरें जो है वो इस कंपनी को लेके आ रही थी। हालांकि वैसे भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर फंडामेंटल्स इस कंपनी के है और जो प्रोडक्ट इस कंपनी का है वो कहीं ना कहीं मोनोपोली रखता है पूरे मार्केट में। कंजम्पशन अच्छे खासे बढ़ रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। और ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे तो सुलाविनाड में अच्छी खासी गिरावट भी आई है, करीब करीब 460 के आसपास के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 6 महीने का अगर आप चार्ट निकाल के देखेंगे तो 440, 430 ये वो लेवल्स है जहाँ से स्टॉक बार बार बाउंस बैक करता है। तो आपके पास खोने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन यहाँ से अपसाइड काफ़ी ज़्यादा है। और कुछ दिग्गज ब्रोकरेज हाउस की मैं रिपोर्ट भी पढ़ रहा था जो कि 570 के आसपास के लक्ष्य भी दे रहे थे। तो समय अच्छा है, सुलाविनयार्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखेगा। अगले 6 महीनों में 550 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। टेक्निकली अगर आप चाहें तो 430 के आसपास के लेवल को वाउच कीजिएगा। यहाँ से अगर नीचे जाता है तो ही दिक्कतें बढ़ेगी, नहीं तो एक तगड़ा बाउंस बैक जो है आपको सुलाविनयार्ड में देखने मिल सकता है।